हाँ फ्रेंड, ये देखिए सब हम तैयार किए थे जैसा कि हमने बताया था। अभी हम मसाला डाले हैं इसमें, ये मसाला हमारा पक रहा है। इसमें हम टमाटर डालेंगे, देखिए मसाला भी हमारा पक रहा है। इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। जो है पक गया है, देखिए ब्राउन हो गया है। इसमें हम टमाटर को डाल रहे हैं। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर। ये हमारा टमाटर भी पक गया है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा और कप जैसे पानी डाल देते हैं। इसमें हम पानी को डाल रहे हैं। ये देखिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये सगौड़ा जो है पानी सोखता है। ये थोड़ा सा और पानी ही डालेंगे। ये हम पानी डाल दिए हैं। अब इसको लगभग 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे तेज गैस पे। इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा ढक देते हैं, ये पक जाए अच्छी तरीके से, तब हम सगौड़ा डालेंगे इसमें। मसाला इसमें हम सगौड़ा जो बनाए हैं इसको हम डालेंगे। इसको भी हम 5 मिनट तक लगभग पकाएंगे। देखिए इस तरफ से हमारा सगौड़ा बन गया है। इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे, उसके बाद हम धनिया को डालेंगे ऊपर से। ये हमारा देखिए सगौड़ा बन के रेडी है। इसका जो है पानी भी गाढ़ा है, ये देखिए जूस, और ये बन गया है। ऊपर से हम इसमें हरी धनिया डालेंगे। इसको हम चलने प्लेट में निकाल लें। इसमें हम प्याज थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह हम ऊपर से धनिया डाल दिए हैं। ये देखिए अब ये खाने के लिए रेडी हो गया है। हाँ दोस्तों, अगर मेरा तरीका पसंद आया है, हाँ पहले हम इसके पहले जो है सगौड़ा तैयार कर रहे थे तभी मेरा वो कैमरा कट गया था, तो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो गया है। दोनों देखिएगा किस तरीके से हम शुरुआत से बनाए हुए हैं। और मेरा तरीका अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।